नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बागवानरों का यूट्यूब चैनल। और इस मैं बताऊंगा मेरे रूम से अस्पताल जाने तक का रास्ता। मैं बाहर आया हूँ और एक सामने गली और ये है बिल्कुल सामने का हिस्सा जहाँ साफ सफाई हुई नहीं है, और इधर साफ सफाई हुई है, प्लास्टिक कचरा वगैरह चलाया गया है। और यह उत्तर पूर्व का जैसा है और ये मेरे मकान के पास कचरा फैला है। और अब मैं मुड़ गया हूँ वापस उत्तर पश्चिम की ओर, जो कि यह गली जाएगी राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 15 से मिल जाएगी। आस पास लोग जा रहते हैं, साफ सफाई कर रखी है, लेकिन जहाँ खाली प्लॉट पड़े हैं बबूलों से घिरे हैं और इसमें रहते हैं मच्छर, जिनके काटने से मलेरिया डेंगू हो जाता है। जहाँ रहते हैं उन्होंने साफ सफाई कर ली है, लेकिन वो कचरा आस पास डाल देते हैं, आस पास के खाली प्लॉटों में, और कुछ को जला भी देते हैं, जलाया जा रहा है। बबूल तो खड़े हैं और ये सामने की गली, और झंडे वाले बाबा जी नज़र आए हैं। ये जा रहे हैं रामदेवरा, ये हाईवे आ गया है, आइए जाता है पंजाब में पठानकोट से गुजरात में कांडला तक। और मैं मुड़ा हूँ लेफ्ट साइड हाईवे पे, लेफ्ट साइड दक्षिण पूर्व की ओर जाएगा। ये आस पास दुकान है और जहाँ वो आदमी जा रहे हैं ना, ये है जहाँ सांड वगैरह खड़े हैं ना, यहाँ स्टैंड है, बस स्टैंड। ये पानी टैंकर सप्लाई करता है दुकानों दुकानों में। और ये है सामने पुलिस थाना, जहाँ हरियाली नज़र आ रही है और एक सूखा पेड़ है जिसकी चौकी बना दी गई है नीचे जड़ों में, और इनको पिलाया गया तेल और घी जिससे मर गया है। पता नहीं इन लोगों को देव की प्राप्ति हुई या नहीं हुई, वर्ष देवता की जान इन्होंने ले ली। और अब आए गए हैं, आइए हम वही आइए आगे दक्षिण पूर्व की ओर जा रहा है। एक आस पास की दुकान है, आसमान में बादल दिखे हैं। और ये आ गया स्कूल, बच्चे जा रहे हैं, प्रेयर भी हो रही है अंदर, और स्कूल के सामने ये दुकान है जगदम्बा शाखा हाउस। और इससे आगे आएगा एसबीआई बैंक, एसबीआई बैंक ये देखो, एसबीआई बैंक देखो। इससे आगे ये सांड और खड़े हैं, शेगरा रोड। तो कुल मिलाकर ये है कि सांड, पता नहीं अब इन दिनों में भी बाजार में जाने वाली गली है, इतनी हरियाली है, खाने को बहुत है, लेकिन इनकी आदत पड़ी है कचरा खाने की, ज़्यादातर यहीं डोलते रहते हैं। और कुछ रात में किसानों के खेतों में घुस जाते हैं और वहाँ उजाड़ करते हैं। और अब आ गया है अस्पताल, सामने दिख रहा है। और वीडियो को अंत तक देखे सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नए हो तो चैनल फॉलो कर दें, बहुत बहुत धन्यवाद।